बिना आपका टाइम बर्बाद किए और बिना किसी बकवास के मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका अकाउंट, जी हाँ सहारा इंडिया का अकाउंट, जो आपका अकाउंट मैच्योर हो गया है, जिसका मैच्योरिटी पूरा हो गया है, आप केवल उसी को अभी CRCS पोर्टल पर क्लेम करेंगे। जी हाँ, बहुत सारे चैनलों पर आपको ये बताया जा रहा होगा कि अगर आपके पास सहारा इंडिया का 4 स्कीम, जिसमें हमारा इंडिया, क्रेडिट कोऑपरेटिव या फिर सहारियन या फिर आपका स्टार मल्टीपर्पस, अगर ये 4 स्कीम आपके पास है और आपका अगर अकाउंट मैच्योर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आप सबको CRCS पोर्टल पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैंने CRCS पोर्टल पर ये अपडेट मांगा, वहाँ का जो कॉल सेंटर का नंबर था, यानी कि जो हेल्पलाइन नंबर था, जब मैंने उस पर कॉल करके और उनसे पूछा कि क्या मेरा अकाउंट जो मैच्योर नहीं है, क्या मैं उसको भी डिमांड कर सकता हूँ, तो जानते हैं मुझे जवाब क्या मिला। वहाँ से मुझे यह बताया गया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 29 मार्च 2023 को यह आदेश आया था कि जो सहारा और सेबी के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपये जमा है, उसमें से 5,000 करोड़ रुपये सहारा के डिपोजिटर को 9 माह के अंदर दे देने हैं। तो जब ये ऑर्डर 29 मार्च 2023 को आया है, तो आपका जो भी अकाउंट 31 मार्च 2023 तक मैच्योर हो गया है, पूरा हो गया है, आप केवल उसी का डिमांड कर सकते हैं। जी हाँ, ये मुझे बताया गया CRCS पोर्टल के अधिकारियों के द्वारा जब मैंने उनसे यह बात पूछी। अब सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि आप जानेंगे कैसे कि आपका कौन सा अकाउंट कब मैच्योर हो रहा है, क्योंकि क्रेडिट कोऑपरेटिव के बॉन्ड पे तो आपको आपका अकाउंट ओपनिंग डेट और आपका मैच्योरिटी डेट दोनों साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जब बात करें सहारियन के सर्टिफिकेट पे, तो सहारियन के सर्टिफिकेट पे आपका केवल अकाउंट ओपनिंग डेट दिखेगा, आपका उस पर मैच्योरिटी डेट नहीं दिखेगा। तो घबराइए नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकाल सकते हैं कि आपका सहारियन का अकाउंट कब मैच्योर हो रहा है। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा CRCS पोर्टल पे कि आखिर उस पे क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग जो हैं वह अपना डिमांड कर सकते हैं अपने खाते का, क्या उसका क्राइटेरिया है। तो बाद में आप परेशान होकर अलग अलग यूट्यूब चैनल पे खोजते रहिएगा कि इसका समाधान क्या है, उसका समाधान क्या है। इससे अच्छा है कि आप केवल 5 मिनट इस वीडियो पर दे दीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपके सामने बॉन्ड ला कर दिखाऊंगा कि आप कैसे सहारियन का मैच्योरिटी डेट निकाल सकते हैं कि आपका मैच्योरिटी डेट क्या है। क्योंकि आप जानते हैं कि CRCS पोर्टल अभी ऐसा है कि आप उस पर गलती अगर करते हैं तो फिर उसमें सुधार की संभावना जो है वह न के बराबर है, क्योंकि अभी अपडेट का कोई भी ऑप्शन नहीं है CRCS पोर्टल पे। चाहे आपका नाम गलती हो गया हो, या आपके पिता के नाम में गलती हो, या आपका घोषणा पत्र आपका अपलोड नहीं हो पाया हो, या आपका स्लिप जनरेट नहीं हो पाया हो, आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मिला हो, या आपका डेथ मैच्योरिटी हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अभी सहारा के डिपोजिटर को देखने में आ रहे हैं CRCS पोर्टल पर ऑनलाइन करने में, लेकिन अभी उसका कोई समाधान नहीं है। और हो सकता है कि भविष्य में भी इसका समाधान न मिले, तो अभी आप एक ध्यान रखिएगा कि आप उसी अकाउंट को डिमांड कीजिएगा जो आपका अकाउंट 31 मार्च 2023 तक मैच्योर हो गया है। अगर मान लीजिए आपका कोई अकाउंट 2024 में मैच्योर हो रहा है, तो आप उसको अभी अपने पास रखे रहिए, जब तक गवर्नमेंट के द्वारा अगला आदेश नहीं आता है, कोई अगला अपडेट नहीं आता है, तब तक आप उसको डिमांड नहीं कीजिए। हमें अभी यही बताया गया है CRCS पोर्टल के द्वारा और सहारा ऑफिस के द्वारा। तो आइए आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि आप कैसे सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड का अपना मैच्योरिटी डेट निकाल पाएंगे कि आपका वह अकाउंट मैच्योर कब हो रहा है, ताकि आपको ऑनलाइन करने में सुविधा हो। बहुत सारे लोगों ने गलती कर दी है, जो गलती कर दिए हैं वो अभी अपडेट आने का वेट करें, और जो गलती नहीं किए हैं वो यह वीडियो देखकर गलती करने से बच जाएं, क्योंकि आप गलती कर दीजिएगा तो फिर उसका सुधार की कोई संभावना नहीं है। तो आइए आपको स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कि आप सहारियन का कैसे मैच्योरिटी डेट निकाल सकते हैं और उसको फिर डिमांड आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो अभी तक गलती नहीं किए हैं उन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो गलती ना कर पाए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको हम जो भी न्यूज़ दिखाते हैं या जो कुछ भी बताते हैं वो एकदम सटीक बताते हैं, हम अपने मन से आपको कुछ नहीं बताते हैं। हम जो भी आपको बताते हैं वह CRCS पोर्टल से अपडेट होकर और सहारा ऑफिस से अपडेट होकर ही आपको बताते हैं। भले हमको बताने में कुछ समय लग जाए, कुछ लेट हो जाए, इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको जो भी बताऊंगा वो सटीक बताऊंगा, क्योंकि मेरा मोटो ये कभी नहीं है
कि मैं आपको परेशान करूं। आइए स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि सहारियन का आप कैसे मैच्योरिटी डेट निकाल पाएंगे। सबसे पहले आपको हम CRCS पोर्टल पर दिखा देते हैं कि क्या आखिर क्राइटेरिया है सहारा इंडिया का बॉन्ड डिमांड करने के लिए। तो आप जब ये सामान्य प्रश्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा। उस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका चौथा पॉइंट जो है वह यहाँ पे साफ दिया गया है कि CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। यहाँ पे डेट दिया गया है 22 मार्च 2022। कहने का मतलब है कि सहारा का जिस बॉन्ड का आप डिमांड कर रहे हैं वह डिमांड आपका जो अकाउंट है वह सहारा में 22 मार्च 2022 से पहले खोला गया अकाउंट हुआ हो और आपने उस अकाउंट पर कभी सहारा से कोई लोन वगैरह न लिया हो। नीचे आप देखिएगा तो ये है आपका ए हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, बी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और सी सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड। यानी कि आपका ये तीनों अकाउंट जो है वह सहारा में 22 मार्च 2022 के पहले ओपन किया गया हो और आपने इस पर कभी कोई लोन न लिया हो या पे कोई देनदारी न हो। फिर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक और डेट है 29 मार्च 2023 के लिए। यानी कि आपके पास अगर स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद का बॉन्ड है तो वह आपका सहारा में 29 मार्च 2023 के पहले ओपन होना चाहिए वो अकाउंट और उस पर भी आपका कोई देनदारी नहीं हो तभी आप डिमांड कर सकते हैं। ये तो हो गया अकाउंट ओपन के लिए। और दूसरा है मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के लिए मैंने आपको जैसा कि बताया कि अगर आपका अकाउंट जो है वह 31 मार्च 2023 के पहले अगर मैच्योर हो गया है तो आप उसका डिमांड कर सकते हैं, अन्यथा आप अभी रुक जाइए। अगर आपका अकाउंट 2024, 25, 26 या 30 31 मार्च 2023 के बाद अगर मैच्योर होने वाला है तो आप अभी रुक जाइए, अभी उसका डिमांड मत कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं मैच्योरिटी डेट की। आपके सामने अभी हमारा इंडिया का बॉन्ड दिखाई दे रहा है। आपको अगर हम बात करें इसमें मैच्योरिटी डेट कहाँ लिखा होता है तो आप सबसे नीचे देखिएगा तो आपको सबसे नीचे यहाँ पर मैच्योरिटी डेट लिखा रहेगा। हमने हमारा इंडिया या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव या फिर सहारियन का अकाउंट नंबर कहाँ लिखा है, रसीद नंबर कहाँ लिखा है, पासबुक नंबर कहाँ लिखा है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। आप मेरे चैनल पर वीडियो है, जाकर देख लें। मैं यहाँ पर अभी आपको केवल मैच्योरिटी डेट बताऊँगा कि आपको मैच्योरिटी डेट कहाँ से लिखना है। तो आप ऊपर देख सकते हैं सबसे पहले आपका ऑन डेट, आपका ये अकाउंट ओपनिंग डेट हो जाएगा। जैसे लिखा है ऑन डेट 10/7/2017 फॉर द पीरियड ऑफ 64 मंथ्स, मतलब आप अगर 10/7/17 से 64 मंथ निकालिएगा तो आपका जो मैच्योरिटी डेट हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 10/7/2022 जो आपको सबसे नीचे दिया गया है। तो हमारा इंडिया का यही आपका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। हमारा इंडिया के बॉन्ड पर आपको मैच्योरिटी डेट सबसे नीचे लिखा दिखाई देगा। आप भी अपने बॉन्ड पर मैच्योरिटी डेट देखकर और तभी डिमांड करेंगे। अब आपके सामने क्रेडिट कोऑपरेटिव का आपको एक बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा। क्रेडिट कोऑपरेटिव में भी आपको सबसे नीचे ही मैच्योरिटी डेट देखने को मिलेगा। अकाउंट ओपनिंग डेट ऊपर आपको ऑन डेट लिखा हुआ दिखाई देगा और सबसे नीचे आपको मैच्योरिटी डेट लिखा दिखाई देगा जो कि आप देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप अपना डिमांड करेंगे। अब आपके सामने सहारियन का स्टार 2 का सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा होगा। स्टार 2 के बॉन्ड पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, मेंबरशिप नंबर, रिसिप्ट नंबर, अमाउंट, अकाउंट ओपनिंग डेट ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन अकाउंट नंबर और मैच्योरिटी डेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अकाउंट नंबर के लिए आपको सहारा ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा, लेकिन मैच्योरिटी डेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैच्योरिटी डेट स्टार 2 के सर्टिफिकेट पर कहाँ लिखा है। आप सबसे नीचे देख रहे होंगे डेट लिखा होगा या और वहाँ पर ये डेट जो है वह आपका अकाउंट ओपनिंग डेट है, ये आपका मैच्योरिटी डेट नहीं है। जो नॉमिनी के नीचे आप डेट देख रहे होंगे यह आपका अकाउंट ओपनिंग डेट है। और जब बात करेंगे हम स्टार 2 के मैच्योरिटी डेट के बारे में तो आपको इस बॉन्ड के पीछे आना पड़ेगा। जब आप इस बॉन्ड को उलट करके और इसके पीछे देखेंगे तो आपको पीछे मैच्योरिटी डेट लिखा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो आपका छठा नंबर पॉइंट है उसमें साफ लिखा है अपन द एक्सपायरी ऑफ 64 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी द
द मेम्बर शैल बी इंटाइटल टू रिसीव द फॉलोइंग बेनिफिट, यानी कि 64 मंथ्स के बाद आपका जो यह सर्टिफिकेट है वह मैच्योर हो जाएगा। तो आप अकाउंट ओपनिंग डेट में 64 मंथ जोड़कर आप अपना मैच्योरिटी डेट निकाल सकते, यानी कि आपका स्टार 2 का सर्टिफिकेट जो है वह 64 मंथ का था, आपका जो भी अकाउंट ओपनिंग डेट होगा उसमें आप 64 मंथ जोड़कर और देख लेंगे कि आपका मैच्योरिटी डेट पूरा हुआ है या नहीं। अगर हुआ होगा तो आप उसको डिमांड करेंगे, वरना उसको अभी डिमांड नहीं करेंगे। अब अगर बात करें सहारियन के ही एक अलग स्कीम सुपर बीबी के बारे में, तो सुपर बीबी भी आप देख सकते हैं कि आपके पास दो सर्टिफिकेट मिला होगा, एक ही सर्टिफिकेट नंबर का आपके पास दो बॉन्ड होगा। एक बॉन्ड पे आप देखेंगे तो आपको रिसिप्ट नंबर, मेंबरशिप नंबर, आपका डिपॉजिट अमाउंट और आपका अकाउंट ओपनिंग डेट जो सबसे नीचे लिखा होगा आपको दिखाई देगा। अकाउंट ओपनिंग डेट आपका सबसे नीचे लिखा दिखाई देगा सुपर बीबी में, और वहीं जब आप अकाउंट नंबर की बात करेंगे सुपर बीबी में, तो आपको जो सुपर बीबी का दूसरा बॉन्ड मिला होगा आपको उसके ऊपर अकाउंट नंबर और मैच्योरिटी डेट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि ये आपका सुपर बीबी का दूसरा बॉन्ड है। आप इसमें सबसे ऊपर देख सकते हैं मेंबरशिप नंबर, फिर नीचे आप कंट्रोल नंबर, यानी कि यही आपका अकाउंट नंबर हो जाएगा। अगर बात करें हम आपका मैच्योरिटी डेट की, तो आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कि मेंबर शैल बी फ्री टू रिडीम हिज हर एक्यूमुलेटेड ज्वाइनिंग पॉइंट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेस्ड ऑन कन्वर्जन रेट इन द फॉर्म ऑफ कैश एक्सेट्रा। तो आपका जो यहाँ पे 36 मंथ या फिर आपके ऊपर जितना भी मंथ लिखा होगा 48 मंथ या 60 मंथ, तो आप वही आपका मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। मतलब कि 36 मंथ मतलब 3 साल हुआ, यानी कि जो मेरा अकाउंट ओपनिंग डेट होगा सुपर बीबी का उसमें अगर मैं 36 मंथ जोड़ दूं, यानी कि 3 साल जोड़ दूं, तो वही मेरा मैच्योरिटी डेट हो जाएगा। आप भी अपने सर्टिफिकेट पर देख लेंगे कि आपका कितना मंथ लिखा गया है, 36 मंथ लिखा गया होगा तो आप 3 साल जोड़ेंगे, 48 मंथ लिखा हो गया होगा तो आप 4 साल जोड़ेंगे। ऐसे ही आप अपना साल जोड़कर और अपने अकाउंट ओपनिंग डेट में उतना साल जोड़कर और आप अपना मैच्योरिटी डेट निकाल सकते हैं, और फिर आप सहारा के पोर्टल पर जाकर आप CRCS के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों मैच्योरिटी डेट जानने का तरीका कि आप कैसे सहारियन का मैच्योरिटी डेट जान सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको हम ज़रूर मदद करेंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल।